तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अमर प्रेम फिल्म का ये गाना पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही एसडीएम ज्योति मोर्या और उनके पति के बीच चल रहे विवाद पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एसडीएम साहिबा की कहानी सुनकर बुखलाए लोगों ने मानो जैसे ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स के साथ साथ ट्रोलिंग की बरसात कर दी हो। पत्नी के इस सरकारी नौकरी लगने पर पति से किनारा कर देना लोगों को रास नहीं आया और देखते ही देखते लोग महिला का जमकर विरोध करने लगे। ऐसे में ट्विटर पर भी मीम्स की मानो बुझार सी लग गई है। चांदनी नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि सभी पुरुष का एक ही नारा हो गया है कि बीवी को नहीं पढ़ाना है। एसडीएम ज्योति मोर्या ने बहुत गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी नारी जाति को इसका दोषी मानेंगे। ऐसे कुकर्म पुरुषों ने अनेक किए हैं, तब पुरुष जाति के लोग कहाँ जाते हैं? उस समय उनके मुंह में रुमाल बन जाता है, या उस समय तो पुरुष जाति के लोग इतने एक्टिव नहीं दिखते। बड़े आए महिलाओं को रोकने वाले, जिसने जैसा किया है उसे सजा दें, सभी नारी जाति को बदनाम ना करें। वहीं एक यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि किसी को मत सुनाना मेरे दोस्त दर्द और तकलीफ अपने दिल की, क्योंकि लोग इतने मतलबी हैं कि तेरे दर्द का भी सौदा कर देंगे। वहीं एक दूसरे यूजर ने एक व्हाट्सएप चैट शेयर करते हुए लिखा कि मेरी गर्लफ्रेंड भी बोली कि मुझे पढ़ना है, मैं सोच में पड़ गया और उसको ब्लॉक कर दिया। चैट में देखा जा सकता है कि शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जान से शेयर किया है। वो कहती है कि यार सुनो, मुझे यूपीएससी निकाल कर एसडीएम बनना है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे जान? फिर एसडीएम बनने पर सारा पैसा वापस कर दूंगी और तुमसे शादी भी कर लूंगी। बहरहाल किसी के पारिवारिक मामले में इस तरह से टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि वही महिला पीसीएस ऑफिसर ज्योति मोर्या ने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि पति सफाई कर्मचारी है और अब पति से तलाक लेना चाहती हूँ। व्हाट्सएप हैक कर मेरे चैट वायरल किया गया था और वो मुझसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। डीजीपी ने कहा है कि फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। बहरहाल लोगों की आलोचनाएं जारी हैं, और आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।